सभी का स्वागत है एक बार फिर इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर सही और सच्ची खबरें मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम कोरोना के लिए वैक्सीन को अप्लाई करें, कैसे खुद को रजिस्टर करें और कैसे अपने आप को सुरक्षित बनाएं। तो पहले आपको ये सबको पता ही है कि ऑलरेडी इंडिया में दो वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। पहली है आपकी कोवैक्सीन जो बनाई है भारत बायोटेक ने, और जो सेकंड वैक्सीन है इसका नाम है कोविशील्ड जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोरोना की दो वैक्सीन बना ली है। अब जो प्लान है गवर्नमेंट का, वो प्लान के लिए ऑलरेडी ड्राई रन हो चुके हैं। 2 जनवरी से आपके ड्राई रन हुए थे उसके, और वो ड्राई रन काफी 70% तक सफल रहे। तो अब उसके अंदर बात हुई है आपकी कि आपका वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा। तो पहली बात यह है कि सबसे पहले 1 करोड़ जो हमारे वर्कर होंगे जो इसके अंदर काम करेंगे वैक्सीनेशन के अंदर, हेल्थ वर्कर्स, उनको पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ लोग और साथ में जो कैंपिंग में काम करेंगे उनको बोलते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद 27 करोड़ लोगों को जिनकी एज 50 साल से ऊपर है पहले उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कैसे वैक्सीनेशन कराना है, कैसे खुद को रजिस्टर करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग है इसके लिए डिफरेंट सेंटर्स खुलेंगे, लेकिन साथ में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, उसका नाम है कोविन, विन फॉर विक्ट्री, है ना। तो कोविन आपको मिलेगा एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट होगी। आपको वहां पर खुद को लॉग इन करना है, पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, नाम, फोन नंबर और आपके एक आईडी कार्ड के साथ। उसके बाद आप रजिस्टर करके लॉग इन करेंगे और आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स भरेंगे कि आपकी एज क्या है, ठीक है, प्लेस क्या है, और उसके अलावा जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आप उसको फिल करेंगे। और आपको साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ, या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप किसी को भी एक को अपलोड कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो वैक्सीनेशन है ये कब होना है और किस प्लेस पे होना है, यानी कि डेट आ जाएगी आपके पास और उस प्लेस का नाम आ जाएगा जहां पर आपका वैक्सीनेशन होना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वैक्सीनेशन के लिए 2 डोज होती है, एक डोज मिलेगी आपको पहले, उसके 28 दिन बाद आपको मिलेगी सेकेंड डोज, ठीक है। दोनों डोज को पहले वहां पर आपको फर्स्ट डोज जब दी जाएगी तो आपको डोज देने के बाद हाफ एन आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आपकी वहां से सेंटर से छुट्टी की जाएगी। इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोविन वेबसाइट पे जो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और साथ ही मुझे लगता है कि आरोग्य सेतु ऐप का भी शायद वो इसमें यूज कर लें, और शायद आरोग्य सेतु ऐप से भी इसको लिंक कर दें, क्योंकि कोई अभी ऐप बनाई नहीं गई है। तो उसका हम वेट करते हैं, जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बस इतना ध्यान रखें वैक्सीनेशन अभी किसका होगा, जो लोग 50 साल से ज्यादा है उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा। तो आप लोग अपनी मम्मी का, पापा का, जो आपके एज में 50 ईयर्स से अबव है उनका, या जिनको बहुत गंभीर बीमारियां हैं यानी कि इनकी एज 50 से कम है लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज हैं जो कि आपके काफी होते हैं, सांस लेने में तकलीफ है आपको, है ना। तो ऐसे लोगों को पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा 27 करोड़ लोगों का। इसकी कॉस्ट पर डोज 250 रुपीज पड़ रही है गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट ने फाइनल नहीं किया कि वैक्सीनेशन फ्री किया जाएगा या आपसे उसके लिए चार्ज किया जाएगा। उम्मीद पूरी यही है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन फ्री करेगी जैसे कि आज तक गवर्नमेंट करती आई है। तो अभी फर्स्ट फेज के अंदर 27 करोड़ पीपल्स को हम लगाएंगे, करेंगे वैक्सीनेशन उसके अंदर, और 3 करोड़ लोग आपके वैसे शामिल हो गए इसमें, कौन से, हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर, तो सब मिला के 30 करोड़ इंडियंस को अभी लगने वाली है ये वैक्सीन, और शायद ही 1 महीने के अंदर ये वाला काम पूरा हो जाएगा। तो आप देर ना करें, जल्दी ही जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको अपलोड करके दूंगा वीडियो यहाँ पर, आप उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रजिस्टर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म से तो आप उसका यूज करें, और इस प्रोसेस के द्वारा आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। टाइम डेट गवर्नमेंट बताएगी, आपको करना है रजिस्टर अपने आईडी प्रूफ के साथ और कोविन प्लेटफॉर्म जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, और साथ में शायद पॉसिबिलिटी है आरोग्य सेतु ऐप भी इसके लिए लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो स्टे सेफ।